समझ नहीं आ रहा है नेत्रा वापस क्यों है, अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ तो गड़बड़ है। या तो मैं समझ नहीं पा रही या फिर मैं गलत समझ रही हूँ। चल के देखना पड़ेगा हो क्या रहा है। क्या किए जा रही हो तुम कब से? क्या 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 कर रही हूँ मैं? अरे अच्छे खासे रूम को जॉगिंग ट्रैक बना के रखा है तुमने। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि मत किया करो ना यार, कब से उधर से इधर इधर से उधर किए जा रही है, नहीं अच्छा लगता मुझे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे यार ये तुम जो बार बार घूम रही हो ना, मेरा दिमाग घूम रहा है। मत घूमो यार ऐसे। तुम्हें क्या लगता है ये पिंग पोंग करने से क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तेज चलने लगेगा, तुम स्मार्ट बन जाओगी। ऐसा नहीं होता, वो भगवान ने जन्म के टाइम पे जो दिया होता है वो जिंदगी भर रहता है, उसको ना एक्सेप्ट कर लिया करो। तुम्हारा ज्यादा मुंह नहीं खुलने लग गया? बहुत ज्यादा बोलने लग गए हो तुम। कितनी बार बोले मुझसे इज्जत से बात किया करो। वैसे इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। पुरसे पूरी कम नहीं समझना चाहिए, बहुत चालाक है वो। क्या मतलब, क्या किया मेरी पूर्वी ने? उसे नेत्रा का सच पता चल गया जस्सी, उसे पता चल गया कि उस लड़की को मैं इस घर में लेके आई हूँ, नेत्रा को मैं आरवी की लाइफ में लेकर आई हूँ। क्या बोल रही हो, तुम्हें कैसे मतलब पूर्वी को ये सब पता चल चुका है, ये तुम्हें कैसे पता चला? खुद आकर उसने मुझे बताया कि उसे सारा सच पता चल चुका है, नेत्रा ने सब सच उगल दिया उसके सामने। भगवान, फिर तुमने क्या कहा? क्या क्या कहती मैं? कुछ नहीं कहा मैंने, ऑब्वियसली बोला उसे कि वो गलत समझ रही है। ये सही है। सही है क्या? क्या सही है? हेलो, क्या सही है? कुछ भी सही नहीं है। एक तो शक हो गया है मुझ पे, उसके दिमाग में भी बात घूम रही है ना, वो इस बात को आसानी से जाने देगी नहीं, मुझे पता है। एक सेकंड, ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे क्यों नहीं पता है? जब तुम और नेत्रा यहाँ से चले गए थे उसके बाद वो आई थी मुझसे बात करने, तब उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी असलियत बताऊंगी, उस नेत्रा की असलियत बताऊंगी कि वो कोई नेत्रा नहीं है, नेहा है और एक डांसर है, एक मोरा है, एक कठपुतली है जिसे तुम आर्मी की लाइफ में लेकर आई हो। बट एनीवे तुम टेंशन मत लो, उसको भी नहीं पता उसने पंगा किससे लिया। इतने इल्जाम लगाए पर मैंने इन तक कुछ नहीं बोला, कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। क्या स्माइल क्यों कर रहे हो तुम इतना? क्या बात है, गजब की लड़की है यार। चॉइस किसकी है? जस्सी तेरी चॉइस है, लड़की तो कमाल की होगी ना। क्या दिमाग चलाती है यार वो। तू एक किताब लिख, जस्सी पूर्वी और पूर्वी का दिमाग, सुपर हिट, बेस्ट चला, लोग तड़पेगी किताब के लिए। मतलब मैं तो ना दीवाना होता ही जा रहा हूँ, होता ही जा रहा हूँ, होता ही। इतना प्यार है चेहरे पे, देखो मुस्कान जा नहीं रही। क्या क्या निकलो तुम यहाँ से। क्या हुआ, क्या क्या हुआ? तुम अगर यहाँ रुके रहे ना, तुम्हारी जो आदत है ना पूर्वी के नाम की माला जपने की, तुम करते रहोगे और मेरा दिमाग खराब करते रहोगे। वैसे भी मुझे उस नेत्रा और साहिल को ऐसे जल्दी से निकालना, तुम भी जाओ क्योंकि वैसे ही भाग कर रहा है, तू जा निकलो ऐसे, गो। वैसे एक बात बताऊं, जली ना, इसे कहते हैं जलन। पूर्वी अच्छी है तो है, वो तो तुम्हें मानना पड़ेगा, पर तुमसे ज्यादा स्मार्ट भी है। जस्सी क्यों इडियट, साहिल छोड़ मुझे। क्या हो, क्या गया तुम्हें, होश में तो हो, क्या करने जा रहे थे? अरे मैं होश में नहीं हूँ, मैं होश में नहीं हूँ। एक इंसान तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा है और क्या भी, मैं होश में नहीं हूँ। होश तो आज मैं उसकी उड़ा दूंगा, मैं उसकी आज जान ले लूंगा। साहिल नहीं 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 नहीं, मेरी बात छोड़ो, मुझे छोड़ो। साहिल मेरी बात सुनो, आराम से बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं ऐसे। अरे मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मुझे बताओ मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी करेगी और जबकि मुझे ये पता लगे कि वो इंसान तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, कैसे हो उसमें आ जाऊं मैं? ये तो वेटर के कपड़ों में, मतलब ये फंक्शन में भी था। एक सेकेंड, मैं ना इसकी फोटो लेती हूँ ताकि पूर्वी दी को दिखा सकूँ। साहिल मैं कह रही हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं शादी भी सिर्फ तुमसे करूंगी,
I love you, Sahil. झूठ मत बोलो मुझसे, समझ में आ रही है बात? झूठ मत बोलो। मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। साहिल नहीं, साहिल मेरी बात सुनो, साहिल नहीं, साहिल मेरी बात सुनो।